हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 37, और ये पेपर हुआ था 21/8/2017 को इवनिंग शिफ्ट में। तो ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे का पूरा डिस्कशन होगा, और इनकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि एसएससी में किसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या उनको सॉल्व करने की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस टीयर वन एंड टीयर टू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये स्पॉटिंग का क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं। आई टुक द शॉर्टेस्ट वे थ्रू द लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। यहाँ पर एक व्यक्ति कहीं पर जा रहा है और उसके बारे में इसमें बात हो रही है कि उसने सबसे छोटा जो रूट था, जो शॉर्टेस्ट रूट था, उसको लिया कहीं पर जाने के लिए। ठीक है, तो टुक यानी इसमें पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट में बात हो रही है। आई इसमें सब्जेक्ट है, टुक इसमें वर्ब है, शॉर्टेस्ट इसमें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हमने दा का प्रयोग किया है। ठीक है, वे का मतलब होता है रास्ता। उसने जो रास्ता लिया वो थ्रू द लिटिल पार्क, मतलब वो पार्क से होते हुए गया। ठीक है, थ्रू का प्रयोग करते हैं हम मीडियम को बताने के लिए। जब कोई मीडियम में से कोई चीज़ गुजरती है तो उसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थ्रू द लिटिल पार्क, लेकिन वो लिटिल लिटिल पार्क कहाँ पर था? क्लोज द पैलेस। क्लोज द पैलेस का क्या मतलब होगा? देखिए, यहाँ पर पार्क और पैलेस, लिटिल पार्क जो था वो पैलेस, मतलब पार्क और पैलेस का रिलेशन यहाँ पर हम बता रहे हैं। उसकी उसकी पोजीशन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक प्रपोजिशन चाहिए। पार्क क्लोज टू द पैलेस, पार्क क्लोज टू द पैलेस। वो जो लिटिल पार्क था वो उस पैलेस के क्लोज था, यानी उसके पास था। ठीक है, लिटिल पार्क क्लोज द पैलेस। अगर अगर आप यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे तो ये क्लोज जो है ये एक वर्ब की तरह काम करेगी। तो यहाँ पर आपको वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पर पार्क और पैलेस इनको जोड़ने के लिए, इनको रिलेट करने के लिए यहाँ पर एक प्रपोजिशन चाहिए, और वो प्रपोजिशन कौन सा होगा? टू होगा, क्लोज टू द पैलेस। ठीक है, तो सी पार्ट में इसमें आपकी एरर है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम। एज इट केम टू आ स्टॉप। अब देखिए, यहाँ पर स्टॉप स्टॉप वैसे वर्ब भी होती है, लेकिन इसके पहले चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। एज इट केम टू आ स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन ए लाउड वॉइस। कंडक्टर कहाँ पर होता है? कंडक्टर होता है बस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बस की बात हो रही है कि जैसे ही, एज इट केम टू अ स्टॉप, जैसे ही बस स्टॉप के पास आई। इट यहां पर यूज हो रहा है बस के लिए, केम पास्ट टेंस है। ठीक है, एज इट केम टू अ स्टॉप, जैसे ही बस स्टॉप के पास आई, द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन अ लाउड वॉइस। इन अ लाउड वॉइस, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये सही है, लेकिन कॉल्ड ओवर गलत है। कॉल्ड आउट होना चाहिए यहां पर। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को तेज आवाज में बुलाना। एज इट केम टू ए स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड आउट इन ए लाउड वॉइस। उसने तेज आवाज में सबको बताया कि स्टॉप आ गया है, स्टेशन आ गया है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल आउट। कॉल ओवर का मतलब होता है किसी को बुलाना, बातचीत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाना, उसको हम बोलते हैं कॉल ओवर। ठीक है, कॉल ऑन होता है किसी से मिलने जाना, शॉर्ट जो विजिट होती है उसको हम बोलते हैं कॉल ऑन। तो यहाँ पर कॉल ओवर ये जो गलत है, कॉल ओवर ये गलत है इसमें। तो सी इसमें आपका ये जो पार्ट है ये इसमें रॉन्ग माना जाएगा, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, कॉल ओवर, कॉल आउट, कॉल ऑन, कॉल अपॉन। ठीक है, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलना किसी से, शॉर्ट विजिट देना। कॉल ओवर मतलब किसी को बुलाना। कॉल अपॉन भी होता है किसी को इनवाइट करना, कॉल अपॉन कोई काम करने के लिए किसी को इनवाइट करना। तो ये फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं फिलर्स के कुछ क्वेश्चंस। और मूविंग टू द सिटी वॉज आई फॉर द स्ट्रेट लेस्ड कंट्री गर्ल। देखिए, ये यहाँ पर एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड आया है, स्ट्रेट लेस्ड। सपोज आपको उसका मतलब नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसका आंसर चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, एक होती है सिटी और एक होती है कंट्री। कंट्री का मतलब यहाँ पर देश नहीं है, कंट्री हम गाँव को बोलते हैं। कंट्री साइड जो होती है, जैसे गांव का जो एरिया होता है, कंट्री साइड उसको हम बोलते हैं। ठीक है, मूविंग, देखिए
नॉर्मली क्या होता है कि गांव के लोग शहरों में जाते हैं, शहरों के लोग गांव में नहीं जाते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो मूविंग टू द सिटी वॉज आई फॉर द स्ट्रेट लेस्ड कंट्री गर्ल, मतलब कंट्री गर्ल यानी गांव की लड़की जब शहर में गई, ठीक है, यहाँ पर हम बता रहे हैं सिटी, जब शहर में गई तो उसका जो एक्सपीरियंस वो कैसा था, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, आई ओपनिंग, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसको देखने को मिली, समझने को मिली, ठीक है। तो उस सेंस में यहाँ पर इसको हम अब हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आई ओपनिंग। मूविंग टू द सिटी वॉज आई ओपनिंग फॉर द स्ट्रेट लेस्ड कंट्री गर्ल। स्ट्रेट लेस्ड का क्या मतलब है? स्ट्रेट लेस्ड मतलब जो अपने ओपिनियन में, अपने मोरल्स में, अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी नैरो माइंडेड है, ठीक है। तो गांव का पर्सन जो भी होगा वो नैरो माइंडेड होगा, बाहर की दुनिया उसने नहीं देखी होगी, थोड़ा सा लिमिटेड होगा, नैरो माइंडेड होगा अपनी सोच में, अपनी अप्रोच में, तो उसी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, स्ट्रेट लेस्ड, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? आई ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विद ए ब्लड टेस्ट अ फिजिशियन वॉज एबल टू द वुमेन्स प्रेगनेंसी। देखिए फिजिशियन क्या करता है, ब्लड टेस्ट हम जब लेते हैं, कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट आपका लेता है तो वो उसके थ्रू क्या करता है, जब वो प्रॉपरली डायग्नोज नहीं कर पाता आपकी बीमारी को कि आपको मलेरिया है, आपको वायरल है, आपको क्या बीमारी है, उसको वो ब्लड टेस्ट के थ्रू क्या करता है, कन्फर्म करता है कि यही बीमारी है, फिर उसके थ्रू उसके अकॉर्डिंग फिर वो दवाई देता है, मेडिसिन देता है। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू यहाँ पर हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, उसको कन्फर्म करेंगे उसको। तो यहाँ पर सही जो वर्ड होगा वो होगा कन्फर्म, निश्चित करना उसको, ठीक है। कन्फर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई टाइटल देना, कन्फर ऑन, और कन्फर विद भी होता है, कन्फर विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ कुछ कंसल्ट करना, कन्फर विद, तो इसलिए कन्फर्म यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन हैं। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? एग्जेम्पशन का मतलब किसी व्यक्ति को छूट देना, जैसे टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है किसी व्यक्ति को, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मतलब उसको वो काम नहीं करना है या नहीं करना पड़ेगा, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न। तो एग्जेम्पशन एक्चुअली नाउन फॉर्म है, और इम्यूनिटी भी वही वर्ड है, इम्यूनिटी का मतलब भी है छूट, छूट मिलना, एग्जेम्पशन का मतलब ये छूट मिलना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा इम्यूनिटी। अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों सेम वर्ड है, मिलते जुलते वर्ड हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बर्डन, ठीक है, एक होता है लाइबिलिटी, एक होता है असेट। तो यहाँ पर ए इसमें आपका सही सिनोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परवर्स। परवर्स मतलब बेकार या जो सही नहीं है, जो डिसेंट नहीं है, जो जेंटल नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, विकेट भी इसके लिए एक वर्ड होता है। तो परवर्स का इंटू होगा इसमें नेफेरियस, नेफेरियस मतलब भी होता है दुष्ट व्यक्ति, विकेट व्यक्ति, ठीक है, नेफेरियस होगा। एग्रीएबल मतलब जो प्लेजेंट है, जो सही है। कंप्लाइंट मतलब जो नियमों को मानता है, कंप्लाइंट। विलिंग मतलब जो इच्छुक है। नेफेरियस मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, नेफेरियस, और परवर्स का मतलब भी वही होता है। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एंटोनिम के क्वेश्चन है, टू मैन्यूवर। टू मैन्यूवर का मतलब होता है मैनिपुलेट करना या मूवमेंट को हम बोलते हैं, जैसे हम कोई कार चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उसमें स्किलफुल मूवमेंट की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैन्यूपुलेट तो इसका सिनोनिम है, प्रोसीड भी सिनोनिम है, मैकिनेट या मैशिनेट, मैकिनेट या मैशिनेट इसको हम बोलते हैं, और मैकिनेट का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, ठीक है, गुप्त तरीके से कोई प्लान या स्कीम बनाना। तो सीज यहाँ पर इसका अपोजिट होगा, सीज का मतलब होता है रोकना, मूवमेंट नहीं करना, मैन्यूवर का मतलब केयरफुल मूवमेंट करना। टू एबर्ट, टू एबर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना या अवॉइड करना, ठीक है, जबकि एड का मतलब होता है किसी चीज़ को सहायता करना। तो एड यहाँ पर इसका सही एंटोनिम होगा। ये जो तीनों वर्ड हैं ये इसके एक्चुअली सिनोनिम हैं। प्रिक्लूड का मतलब प्रिवेंट करना या रोकना, फॉरेस्टॉल का मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, डिटर का मतलब रोकना, ठीक है। तो ये तीनों इसके सिनोनिम हैं, तो एड यहाँ पर सही इसका आंसर होगा। ये इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन है, टू गो टू द समबडीज हेड, किसी चीज़ का
उसके सिर पर जाना या सिर पर चढ़ जाना, तो इसको हम बोलते हैं जैसे कोई शराब पी लेता है कोई व्यक्ति या कोई नशा कर लेता है, तो उसके उस सेंस में इसको हम यूज़ करते हैं। टू मेक समवन डिजी और स्लाइटली ड्रंक, किसी व्यक्ति को ऐसा लगना कि उसने थोड़ी सी शराब पी हुई है, थोड़ा सा ड्रंक है वो, या उसको चक्कर आ रहे हैं। तो सी यहाँ पर इसका सही आंसर आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू मेक अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स मतलब कि कोई आपने खर्चा किया या कोई आपने समय नष्ट किया तो उसकी भरपाई करना, उसको कंपनसेट करना, उसको हम बोलते हैं टू मेक अमेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई शुड बी वी बॉदर। देखिए इसमें शुड के साथ हम क्या लगाते हैं, शुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो बॉदर नहीं आएगा, इसमें आएगा बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान होना, वाई शुड बी बॉदर मतलब हम परेशान क्यों हों, हमें परेशान क्यों होना चाहिए, तो बॉदर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आई एब्सोल्युटली मस्ट हिम हाउ एवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। इसका मतलब क्या है, इसका हाउ एवर का मतलब है चाहे कितना भी, मेरे लिए चाहे कितना भी ये पेनफुल हो लेकिन मैं उससे ज़रूर मिलूंगा। आई मस्ट सी हिम, मस्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सी नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा सी, आई मस्ट सी हिम। ये एब्सोल्युटली इसमें इसलिए डाल दिया है ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो, यहाँ पर मस्ट के बाद यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगी। आई एब्सोल्युटली मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं कि मुझे उसको देखना, उससे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ये मेरे लिए कितना भी पेनफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, क्या आंसर होगा इसका। देखिए सोजर्न का मतलब होता है किसी जगह पर स्टे करना, टेम्परेरी स्टे को हम सोजर्न बोलते हैं। टेरी हम बोलते हैं डिले करने को, टेरियंस मतलब डिले करना, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और मैं आपको बता रहा हूँ, पेरी, PARRY, पेरी का मतलब होता है स्केप करना, अपने आप को बचाना। टेरी का मतलब होता है डिले करना, सोजर्न का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे, ट्रेवर्स का मतलब होता है क्रॉस करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करना, ब्रीदर मतलब सांस लेना, ट्रेवर्स यहाँ पर इससे मिलता जुलता वर्ड है, इसका ये मतलब भी होता है ट्रेवर्स का, टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, ऐसे जाना फिर ऐसे आना फिर साइडवेज ऐसे करना, इसको भी हम ट्रेवर्स बोलते हैं। नॉर्मली इसका मतलब होता है क्रॉस करना, ट्रेवर्स। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज, देखिए डैमेज का मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर दिया गया है, उसको खराब कर दिया गया है। बैडली का मतलब है उसको बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। डैमेज, डैमेज यहाँ पर एडजेक्टिव है, बैडली एडवर्ब है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को बर्बाद या बेकार कर दिया जाता है तो उस चीज़ का जो 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 बचता है, रिमेन्स का मतलब होता है पुराना, कुछ भी जो बचता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज, जैसे जैसे कोई बिल्डिंग है बैडली डैमेज हो गई, उस पर अटैक हुआ है, तो उसके खंडर जो बचे हैं, उसका पुराना पत्थर और ईंट और ये सब चीज़ें बची हैं, उसको हम बोलते हैं रिमेन्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब पुरानी कोई बिल्डिंग है या पुराना कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी सामान है, उसका जो बाकी बचा हुआ जो सामान है डैमेज होने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैकेज। सी यहाँ पर सही आंसर है। पिस्टीन का मतलब होता है, या पिस्टाइन भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है एकदम स्पॉटलेस किसी चीज़ का। इमेकुलेट का भी मतलब होता है एकदम स्पॉटलेस या फॉल्टलेस। स्टराइल का मतलब होता है जर्म फ्री, स्टराइल का मतलब होता है जर्म फ्री, जिसमें कोई कीटाणु नहीं है। इमेकुलेट एकदम फॉल्टलेस, और पिस्टीन का मतलब भी होता है एकदम फॉल्टलेस या स्पॉटलेस। तो रीकेज यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड म्यूटिनी या म्यूटिनियर। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। म्यूटिनियर मतलब जो विद्रोह कर देता है, जो अपने सुपीरियर की बात मानने से मना कर देता है। तो MUTINERS ये इसकी सही स्पेलिंग है, MUTINERS। ऑबेसेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है इसका मतलब। तो ऑबेसेंस की सही स्पेलिंग है OBEISANCE, ये इसका सही मीनिंग है, सही स्पेलिंग है OBEISANCE। पैराजम्बल, देखिए पैराजम्बल मैं आपको केवल लॉजिक को अप्लाई करना पड़ता है, और इसको हम देखते हैं। आर ओनली एनिमीज वर, हमारे एकमात्र दुश्मन कौन थे, ठीक है। अबर ओनली एनिमीज वर,
तो यहां पर आपको उन दुश्मनों का नाम लिखना है, ठीक है। तो अबर ओनली एनिमीज वर, इसमें देखिए यहां पर तो दुश्मनों का नाम नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर ये दुश्मन हो सकते हैं। हीट थर्स्ट एंड फ्लाइस, गर्मी प्यास और मक्खियां, ये किसी स्टोरी में से ये बीच में से लिया गया है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन है ये। तो हमारे ये तीन दुश्मन थे, हीट थर्स्ट एंड फ्लाइस, बट फार, इसके बाद आप जोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर, बट फार फ्रॉम मैन और बीस्ट देन दैट ऑफुल ट्रिनिटी रादर, देखिए फार के साथ क्या वर्ड वर्ड जुड़ेगा, फार के साथ रादर वर्ड जुड़ सकता है। फार रादर वुड आई हैव फेस्ड एनी डेंजर, देखिए डेंजर यहाँ पर एक डेंजर की बात कर रहे हैं हम, और लेकिन डेंजर किससे था, वो मैन या बीस्ट से, किसी आदमी से या किसी जानवर से। फ्रॉम मैन और बीस्ट देन दट दैट ऑफुल ट्रिनिटी, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि हमारे जो मेन दुश्मन थे वो हीट थर्स्ट और फ्लाइस थे, और हम इसके अलावा किसी भी दूसरे दुश्मन का सामना कर सकते थे, चाहे वो मैन हो चाहे वो बीस्ट हो। ट्रिनिटी जो आया है, ट्रिनिटी का मतलब है तीन लोगों का ग्रुप, और ये इसके लिए एक्चुअली यूज हुआ है, हीट थर्स्ट एंड फ्लाइस के लिए। आर ओनली एनिमीज वर हीट थर्स्ट एंड फ्लाइस, बट फार रादर वुड आई हैव फेस्ड एनी डेंजर, एनी डेंजर फ्रॉम, यानी इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, इसमें आंसर होगा एक्स जेड और बाय, एक्स जेड और बाय, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दस आई स्टैंड ऑन ए, और इस तरह से मैं खड़ा खड़ा था वहां पर, या खड़ा हो खड़ा खड़ा हूं, दस आई स्टैंड ऑन ए, लेकिन स्टैंड वेयर, स्टैंड ऑन ए हिल एंड वॉच अ लेबर, और वहां पर खड़े होकर मैं एक लेबरर को देख रहा हूं, और वो लेबरर क्या कर रहा है, लेबरर स्ट्राइकिंग विद इज स्लेज, स्लेज होता है हथौड़ा, तो ये हो जाएगा सेकेंड, स्ट्राइकिंग विद इज स्लेज, वो स्लेज किसके ऊपर कर रहा है, अपॉन द डिस्टेंट रेलवे, जो दूर वहां पर एक रेलवे की लाइन है उस पर वो प्रहार कर रहा है। तो इसमें भी एक्स जेड और वाई आपका सही आंसर होगा, एक्स जेड और बाय, यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे इनको किया जाता है, और इसमें आपको लॉजिक को अप्लाई करना है। द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से आपका सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस का। द इंटायर इसमें है, इसमें है द इंटायर बंगलो पेंटेड, यानी ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस आएगा इसमें, द इंटायर बंगलो वॉज पेंटेड बाय द पेंटर, ये इसका आंसर होगा। द टीचर सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये नरेशन के क्वेश्चन है, चूंकि प्रिंसिपल वर्ब इसमें पास्ट टेंस में है, तो ये कैन का कुड हो जाएगा, और यहाँ पर हम दैट लगाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें तो कैन है, इसमें शुड है, इसमें भी कैन है, इसमें केवल कुड है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसमें आंसर होगा आपका डी। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मांजा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, ग्लास कोटेड स्ट्रिंग इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें आपने शायद शायद बचपन में पतंग उड़ाई होगी, इसमें पतंग उड़ाने में जो हम मांजा यूज करते हैं जिसके ऊपर ग्लास कोटिंग होती है, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब जो जो क्या बोलेंगे जिसको हिंदी में, इसमें स्ट्रिंग, जो ग्लास कोटेड स्ट्रिंग होती है उसको हम माजा बोलते हैं, ठीक है। तो माजा, माजा से किस तरीके से लॉस होता है वो सब इसमें बता रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। माजा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, माजा की इसमें बात हो रही है जो कि ग्लास कोटेड स्ट्रिंग होती है जिसका यूज करते हैं हम काइट्स यानी पतंग को उड़ाने में, ठीक है। नॉट ओनली पोजेस थ्रेट, मतलब उससे एक थ्रेट मिलती है, वो डेंजरस हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है, पोजेस थ्रेट मतलब उससे एक धमकी मिलती है, वो चीज़ खतरनाक हो सकती है। नॉट ओनली पोजेस थ्रेट टू ह्यूमंस, इससे ना केवल ह्यूमंस को नुकसान होता है, एनिमल्स को एंड बर्ड्स को, बट ऑल्सो टू ट्रीज, क्योंकि जो माजा होता है उससे उससे हाथ जो होते हैं छिल जाते हैं, कट जाते हैं, काफ़ी डेंजरस वो होता है, तो उससे एनिमल्स को, बर्ड्स को और ट्रीज को उससे नुकसान होता है। अ स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन हैज़ रिवील्ड, मतलब एक स्टडी ने ये रिवील किया है, ये बताया है कि इट पोजेस अ ग्रेट थ्रेट
threat to trees. इससे trees का भी बहुत नुकसान होता है. But how can a snapped string मतलब एकदम तनी हुई रहती है, खिंची हुई रहती है. But how can a snapped string struck in a tree kill the tree? लेकिन किस तरीके से एक तनी हुई string जो कि पेड़ में फंस जाती है उससे पेड़ मर सकता है, ये किस तरह से हो सकता है. ठीक है, अपेरेंटली इट डज सो, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे फर्क पड़ता है. इट डज सो, ये ऐसा करता है बाय अलाइंग विद द क्रीपर्स इन द गार्डन. गार्डन में जो क्रीपर्स होते हैं ना, जो पेड़ के सहारे सहारे जो जो बेल होती है उसकी बात हो रही है इसमें, क्रीपर्स. तो ये क्रीपर्स में उलझ के उसको नुकसान करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. अ रिसर्च पेपर बाय थ्री साइंटिस्ट ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट इलस्ट्रेट्स. मतलब इस इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च की है और रिसर्च में इसने इलस्ट्रेट किया है, डिटेल में इलस्ट्रेट किया है हाउ द मांजा, किस तरीके से मांजा इन कॉलूजन विद क्लाइंबर्स, मतलब क्लाइंबर्स के साथ वो उलझ जाता है, उसमें लिपट जाता है. डज द डैमेज, किस तरीके से वो डैमेज करता है. द अवेंडन जिसको छोड़ दिया गया है. टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स, जिस काइट का जो फटी हुई काइट है उसकी स्ट्रिंग जो रहती है उसकी इसमें बात हो रही है. एक्ट इज एन एक्सीलेंट प्राइमरी सपोर्ट प्लेटफॉर्म फॉर द टेंडर क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो होते हैं, देखिए जो धागा होता है, जो स्ट्रिंग होती है, वो पेड़ में उलझ जाती है और उसका सहारा लेके ये क्लाइंबर्स और क्रीपर्स ऊपर चढ़ जाते हैं. फिर एक क्लाइंबर का सहारा लेके दूसरा क्लाइंबर ऊपर जाता है. ठीक है, गिविंग इजी पैसेज टू रीच द टॉप ऑफ द ट्रीज. ठीक है, मतलब टॉप ऑफ द ट्रीज पर जाने का जो सहारा मिलता है वो माजा की वजह से ही मिलता है. लेटरल ब्रांचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाइंबर एंड अदर एक्सेसरी ब्रांचेस फ्रॉम द ग्राउंड रीचेज द टॉप टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लाइंबर. फर्स्ट क्लाइंबर का सपोर्ट लेके जो नीचे की ब्रांचेज होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं. कंप्लीटली कवर्स द ट्री टॉप, और इससे ट्री का टॉप जो होता है पूरी तरीके से कवर हो जाता है. दस इनहिबिटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, और इस तरीके से उस पेड़ में सनलाइट का पेनिट्रेशन पूरी तरीके से रुक जाता है और वो पेड़ खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है. अवेंडन टॉर्न काइट स्ट्रिंग्स स्टक इन ट्रीज बेनिफिट्स हुम. ठीक है, अवेंडन टॉर्न काइट स्ट्रिंग स्टक इन ट्री, जो स्टक जो फंस जाती है ट्री में, जो जो धागा होता है, जो माजा होता है, उससे किसका बेनिफिट होता है. उससे क्रीपर्स का बेनिफिट होता है क्योंकि क्रीपर्स उसका सहारा लेके ऊपर चढ़ जाते हैं. ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा आपका क्रीपर्स. हाउ मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू स्टडी बाय कंट्रीज ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑन हाउ मांजा कैन किल ए ट्री. इसमें कितने साइंटिस्ट थे, इसमें तीन थे साइंटिस्ट. अ स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन हैज रिवील्ड दैट इट पोजेज ए ग्रेट थ्रेट टू ट्रीज बट हाउ कैन ए, यहां पर लिखा हुआ है आई रिसर्च पेपर बाय थ्री साइंटिस्ट. हाँ, तो थ्री ही इसमें आपका सही आंसर होगा. हाउ कैन अ ट्री बी किल्ड बाय अ क्रीपर, एक ट्री क्रीपर से कैसे कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि उसमें सनलाइट का जो एक्सेस है वो रुक जाता है. पैसेज में यही बताया है, तो इसका आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें देखना है. तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट. ठीक है, What would be the acronym for Indian oldest botanical garden? अच्छा, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर पूछा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा देख लेते हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आचार्य जगदीश, शॉर्ट फॉर्म होता है मतलब उसका जो उसके लेटर, उसके जो फर्स्ट लेटर से जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा. तो ए यहाँ पर एक्चुअली इसका बन जाएगा, ए ये बन जाएगा, सॉरी AGC BIBG. फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा. What gives easy passage to climber to top of the tree? टॉप ऑफ द ट्री पर जाने के लिए क्लाइंबर को इजी पैसेज कौन देता है, मांजा देता है. ठीक है, मांजा इसमें आपका सही आंसर होगा. तो इस तरीके से ये सेट 37 है और इसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. तो इन क्वेश्चन से आई होप कि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको टीयर 1 और टीयर 2 के एग्ज़ाम्स को करने में.
कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।